वेलकम टू बानिक यूट्यूब चैनल। मैं रुपेश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है वो होने वाला है, याद रखिएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। यूनेस्को का फुल फॉर्म को बता दूं तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। तो उसके बहुत सारे वर्ल्ड में आपको हेरिटेज साइट देखने को मिलेंगे। अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में यूनेस्को के, याद रखिएगा, टोटल 40 हेरिटेज साइट, यस 40 हेरिटेज साइट है। मैं आपको उन सारे 40 के 40 हेरिटेज साइट्स का नाम बताऊंगा। अच्छा, यहां पे आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो यूनेस्को आपका जो हेरिटेज साइट है इनको आप लोग नॉर्मली दो तीन भागों में, तीन भागों में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है आपका कल्चरल, एक होता है आपका नेचुरल और एक होता है आपका मिक्स्ड। कल्चरल का मतलब हो गया, अगर किसी कल्चरल, किसी रिलीजियन या फिर कल्चर के साथ रिलेटेड है तो वो हो गया आपका कल्चरल हेरिटेज साइट। नेचुरल का मतलब हो गया आपका नेशनल पार्क की कुछ नेचर के साथ रिलेटेड है तो वो हो गया आपका नेचुरल। और मिक्स्ड में क्या होगा, तो मिक्स्ड में दोनों आ जाएंगे, कल्चरल नेचुरल दोनों का जब कंबाइंड हो जाएगा तो वो आ जाएगा आपका मिक्स्ड हेरिटेज साइट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगा वो होगा, याद रखिएगा, इंडिया में प्रेजेंट यूनेस्को के कल्चरल साइट्स के बारे में। तो कुछ कल्चरल साइट जैसे कि बता रहा हूं मैं आपको, आगरा फोर्ट, क्लियर, इसको 1983 में क्या किया गया था, याद रखिएगा, हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया था भाई यूनेस्को। अजंता केव्स 1983 में इसको भी दिया गया था। नेक्स्ट वन इज बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, सांची का जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है जिसको 1989 में आपका यूनेस्को का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, चंपारण आर्कोलॉजिकल पार्क 2004, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004। देखो यहां पे मैं जो ईयर बता रहा हूं ये हो गया कौन सा, कब इनको यूनेस्को का हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, चर्चेस ऑफ गोवा 1986, एलिफेंट केव्स 1987, एलोरा केव्स 1983, फतेहपुर सिकरी 1986, द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स 1987। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, ये आपका 1986। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स एट महाबलीपुरम, इनको 1984 में यूनेस्को का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडाकाई, इसको 1987 में दिया गया। नेक्स्ट, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, इसको 2013 में दिया गया। नेक्स्ट वन इज हुमायूं स्तंभ, इसको दिया गया, याद रखिएगा, 1993 में। खजुराहो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स और मॉन्यूमेंट्स आप लोग बोल सकते हो, ठीक रहेगा, मॉन्यूमेंट्स, ये हो गया, याद रखिएगा, 1986 में दिया गया। महाबोधि टेम्पल, महाबोधि टेम्पल एट गया, इसको 2002 में दिया गया। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया 1999, कुतुब मीनार 1993, रानी की भव्य जो कि आपका गुजरात में है उसको दिया गया 2014। नेक्स्ट, रेड फोर्ट, लाल किला, इसको दिया गया 2007। नेक्स्ट वन इज रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमटेका, इसको 2003 में दिया गया। नेक्स्ट, सन टेंपल, आपका उड़ीसा का सन टेंपल कोणार्क 1984 में दिया गया। ताजमहल 1983 में दिया गया। जंतर मंतर जयपुर का 2010 में दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय, इसको दिया गया 2016 में दिया गया। चंडीगढ़ सिटी, क्लियर, चंडीगढ़ सिटी, इसको भी 2016 में दिया गया। नेक्स्ट, अहमदाबाद सिटी, इसको दिया गया, देखिएगा, 2017 में दिया गया। नेक्स्ट, द विक्टोरियन आर्ट एंड डेको ऑफ मुंबई, इसको 2018 में दिया गया। नेक्स्ट, जयपुर सिटी, क्लियर, जयपुर सिटी भी आपका, याद रखिएगा, एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट वन इज काकटिया रुद्रेश्वरा, इस जो कि आपका तेलंगाना में है, इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। और रिसेंटली आपका, याद रखिएगा, दिया गया 2021 में धोलावीरा, क्लियर, ए हड़प्पन जो कल्चर है, हड़प्पन सिटी था धोलावीरा, इसको भी क्या किया गया आपका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। तो ये सारे आते हैं, याद रखिएगा, आपका कल्चरल में।
अब बताता हूं मैं आपको क्या नेचुरल में कौन कौन से हैं। तो नेचुरल में यहां देखिएगा आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि आपका 2014 में इसको यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट काजीरंगा नेशनल पार्क 1985, कलाडियो नेशनल पार्क 1985, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985, नेक्स्ट वन इज नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क 1988, सुंदरवन नेशनल पार्क 1987 एंड वेस्टर्न घाट, जिसको 2012 में यूनेस्को का हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया। याद रखिए, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे इंडिया में सिर्फ एकमात्र मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, जिसको 2016 में यूनेस्को का हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है। क्लियर, ये याद रखिएगा, कंबाइंस द रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ बुद्धिज्म। यहां पे आपको जो बुद्धिज्म थे, क्लियर, जो बुद्धिस्ट धर्म का वहां पे रिलीजियस और कल्चर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ वो क्या है आपका, एक बहुत ही बड़ा एक एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन सेंटर, क्लियर, क्योंकि वहां पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, बहुत प्रकार के आपको स्पेसीज, बहुत प्रकार के हेरिटेज स्पेसीज और बहुत प्रकार के इंटेंट स्पेसीज आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। तो ये था, याद रखिएगा, आपका क्या यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। क्लियर, ये भी किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प कर सकता है। तो इसी प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए बानिक के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।